नमस्ते, मैं राजेश स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मेडिस्टार पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली एनकासिन 500 mg जो है इंजेक्शन के बारे में। एनकासिन थोड़ा अजीब सा नाम है, देखेंगे यूज, डोज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब कुछ देखेंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो एनकासिन 500 है इसमें बेसिकली एमिकासिन है, ठीक है। एनकासिन थोड़ा सा मिलता जुलता है एमिकासिन 500, ठीक है सर। 500 mg का है, जो कि एरिस्टो कंपनी नहीं बनाती है। ये कौन सी कंपनी बनाती है सर? एबोट कंपनी बनाती है। एबोट, ठीक है सर, एबोट कंपनी बनाती है। ये जो एमिकासिन एंटीबायोटिक है, एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक हो। ओके, डन हुआ। यूज कहाँ कहाँ करेंगे? हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि मेनिनजाइटिस हो गया, जो कि एक दिमाग का इन्फेक्शन है। सेप्टिसीमिया हो गया, ब्लड का इन्फेक्शन है। पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है सर, बैक्टीरियल। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बर्न जलने पर, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, ऑपरेशन के बाद जो है टाको मवाद वगैरह ना पड़े उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, स्किन पर रैसेस हो सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज ब्लड यूरिया, ब्लड में जो यूरिया की मात्रा है वो बढ़ सकती है सर। स्टमक अपसेट, पेट जो है अपसेट हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की जो है कमी हो जाएगी। पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। कहाँ पर? इंजेक्शन साइट पर, जहाँ पर इंजेक्शन लगा हो। प्रिकॉशन की बात करें, अगर किसी को पास्ट में एमकासिन से एलर्जी हो तो नहीं देंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हियरिंग प्रॉब्लम या फिर किडनी प्रॉब्लम में नहीं देना है। किसी को ब्लड में जो है पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि की कमी हो या फिर पार्किंसन डिसीज हो तब भी नहीं देंगे। ओल्डर एडल्ट में भी मोर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा बूढ़े में जो है नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक है सर। तो डोज की बात करें तो IM करेंगे या फिर IV करेंगे। 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से डिवाइडेड डोज में एमिकासिन को लगाया जाता है। मैक्सिमम 1.5 ग्राम एक दिन में लगा सकते हैं। सो अभी आपको एनकासिन क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।